बरेली की बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अताउर रहमान समेत कई लोगों के खिलाफ विधायक के कार्यालय में बंधक बनाने जानलेवा हमला और मारपीट के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल मामला एक ही परिवार में दो पक्षों के बीच विवाद का था, जिसमें विधायक ने समझौता कराने के लिए दोनों पक्षों को अपने कार्यालय बुलाया था। आरोप है कि इस दौरान विधायक की मौजूदगी में एक युवक पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। इसके बाद कई लोगों को घंटों विधायक के कार्यालय में बंधक बनाए रखा गया। इतना ही नहीं, गोली चलाने का भी आरोप लगा है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिंगौथी गांव में रहने वाले अनीस की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक शनिवार सुबह जमीन के मामले में गांव के ही रफीक रहीस और आसिम के साथ उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद सभी आरोपी एक राय होकर उसके घर में घुस गए और जमकर मारपीट की। इस दौरान जब अनीस की पत्नी बचाने पहुंची तो उसके साथ भी बदसलूकी और मारपीट की गई। पीड़ित अनीस का कहना है कि इस बीच रविवार शाम उसे समझौते के लिए विधायक अताउर रहमान के कार्यालय पर बुलाया गया, जहां उसने अपने साले आसिम खां को भेज दिया। अनीस का आरोप है कि विधायक के कार्यालय में पहले से ही आरोपी मौजूद थे, उन्होंने वहां आसिम से मारपीट कर उसे बंधक बना लिया, जिसकी जानकारी होने पर विधायक कार्यालय पहुंचा। अनीस किसी तरह अपने साले को छुड़ाकर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आरोप है कि पीछे से उन पर गोली भी चलाई गई, इसमें वह बाल बाल बच गए। वहीं इसको लेकर बहेड़ी इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि अनीस की तहरीर पर विधायक अताउर रहमान और अन्य आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले और बंधक बनाने समेत कई आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। वहीं इसको लेकर बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान ने कहा कि चार सगे भाइयों में रास्ते का विवाद था, दोनों पक्ष उनके समर्थक हैं, इसलिए उन्हें समझौते के लिए कार्यालय पर बुलाया गया था, जहां बातचीत के दौरान एक भाई ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया, जिस पर उन्हें कार्यालय से बाहर जाने को कह दिया गया, लेकिन अब विरोधियों के भड़काने पर रिपोर्ट लिखा दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है। वहीं एसएसपी ने सपा विधायक समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज किए जाने की बात कही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर, हमारे वोटर कल में बहेड़ी क्षेत्र में अपने कार्यालय पर बैठा था कैंप ऑफिस, वहीं दो लोग आए हमारे वर्कर, उन्होंने कहा कि हमारे रास्ता को लेकर झगड़ा है, हमारा भाई ने सुबह भी हमसे लड़ाई की और अब 15 दिन से हमसे लड़ रहा है, तो हम मुकदमा लिखवाना चाहते हैं भाई के खिलाफ। तो कहा हमने फिर बुलाने उन्हें बुला लेते हैं, बुला के और उनकी आपस में बात करवा रहे थे। इतने में वो 25-30 लोग हमारे ऑफिस में वैसे ही बैठे हुए थे, तभी उनमें आपस में हाथापाई होने लगी। हमने उनको सबको बचा के, कई लोगों ने बचाया, हमने कहा भाई जाओ अपने घर, दिमाग ठंडा हो जाए तो आ जाना, सगे भाई हो सब निपटाएंगे। उसके बाद वो लोग चले गए, 2-2.5 घंटे बाद हमें पता लगा कि हमारे खिलाफ तहरीर चली गई। तब हमने उनसे पूछा जिन्होंने दी थी, हमने कहा भाई हमसे हमारे खिलाफ क्यों दी, तो बोला हमें तो पता ही नहीं है आपके खिलाफ, कुछ लोग हमें मिल गए थे तो तहरीर दे दी। अब वो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जब उन्हें पता लगा तो थाने गए और किसी से लिखवा के लेकर वहाँ देकर आया कि हमें ऐसी कोई बात नहीं, विधायक जी से तो हमारा कोई बात ही नहीं, वो तो हमारा समझौता करा रहे थे। ये थाना बहेड़ी में एक वादी है अनीस अहमद जी, उन्होंने कल थाने आके प्रार्थना पत्र दिया कि उनका एक पक्ष से विवाद चल रहा था, तो विधायक जी ने अपने ऑफिस में दोनों पक्षों को बुलाया था सुलह समझौते के लिए, और जब समझौता नहीं हो पाया तो उनके साथ मारपीट करी और फायर भी किए, तो इस तरह से उन्होंने आके थाने तहरीर दी थी, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। सर कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई? इसमें एक जो अभी सपा के विधायक हैं उनके, इसके अलावा 4 लोगों पे FIR पंजीकृत करी गई है और साक्ष्यों के आधार पे जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पे कार्रवाई करी।